देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करा चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का ही भाई है उदाहरण नंबर 9, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मैं करा दूंगा। ये कह रहे हैं बिंदुओं -5, -6 और दूसरा बिंदु है -1, -4, उनका चित्र बनाना बहुत जरूरी है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। ये तो बड़ा गड़बड़ मामला है, क्या बताना चाह रहा है पता नहीं। तो आप पहले ग्राफ चित्र बनाओ, निर्देशांक हमने बना दिया। पहला बिंदु है 5, -6, तो 5 एक्स अक्ष पे इधर होगा, -6 नीचे होगा, यहाँ आ जाएगा 5, -6। दूसरा कितना है -1, -4, -1 भी इधर, -4 भी इधर, ये आ गया -1, यहाँ आ जाएगा। जब आप इन दोनों बिंदुओं को मिलाओगे तो आप देख रहे हो ये रेखाखंड वाई एक्स को काट रहा है, ठीक है। तो इसने आपसे यही पूछा है कि ये वाई एक्स को, वाई एक्स इस रेखाखंड को जो हमने मिलाया है ए बी, इसको किस अनुपात में काट, एक बात तो ये पूछी। दूसरी बात उसने कहा प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो ये सब बातें तो अंदर की हैं, ये आपको समझ में आ गई। अब हमने अपने सवाल का निरूपण किया कि भाई एक बिंदु है 5, -6 और दूसरा बिंदु है -1, -4। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इसने कहीं ना कहीं कौन सी अक्ष को काटा, कौन सी अक्ष को काटा है वाई। तो ये जो बिंदु P है वो कौन सी अक्ष पे स्थित है, बात समझ आ रही है। तो आप लिखेंगे इसे ये कह दो और इसे, फिर ये देखना नहीं पड़ेगा कि इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखा का, सीधे लिखो ए बी वाई अक्ष को कौन से बिंदु पर काटता है, बिंदु पी पर काटता है या काटता हुआ क्षण करेगा, फिर नीचे करता है। कोई दिक्कत इसमें, करता है क्यों लिखा, क्योंकि इसका नाम है रेखा, ये क्लियर हो गया। अब बिंदु पी कौन से एक्स पे स्थित हुआ, जो स्थित हुआ ये भी बता दिया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो ये रेखाखंड वाई एक्स को किसी ना किसी बिंदु पर काटेगा, और उस बिंदु का नाम मैंने पी रख दिया, यानी पी बिंदु कौन सी एक्स पे स्थित है, वाई एक्स पे। जो बिंदु होता है उसमें क्या खास बात होती है, उसका एक्स निर्देशांक जीरो होता है, वाई चाहे वाई निर्देशांक कुछ। तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु पी के निर्देशांक, एक बात तो क्लियर है कि एक्स निर्देशांक उसका कुछ भी हो, सॉरी वाई निर्देशांक कुछ भी हो, एक्स कितना होगा जीरो। वाई निर्देशांक आप कुछ भी मान सकते हो, ए बी सी डी है ना, हमने कह दिया बी जीरो कॉमा बी, कोई दिक्कत या जीरो कॉमा वाई कह दो, वाई में भी कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता लग गया कि ये जो है बिंदु पी जो है वो कितना है, जीरो कॉमा वाई। अब इसने पूछा किस अनुपात में बांटता है, तो हम मान लेते हैं, माना बिंदु P के निर्देशांक ये हैं, जो इसे ए बी को कितने अनुपात में बांटता है, एन अनुपात है, यानी ये अनुपात कितना हो गया एम और ये कितना हो गया एन। कोई दिक्कत यहां तक। अब आपके पास दो बिंदुओं को मिलाने वाला एक रेखाखंड है, उस रेखाखंड पे एक बिंदु स्थित है जो उस रेखाखंड को कितने अनुपात में बांट रहा है, एम अनुपात एन में। तो कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, बिल्कुल ठीक, विभाजन सूत्र से क्या होगा, किसके निर्देशांक निकलेंगे, बिंदु पी के निर्देशांक। कैसे निकलेंगे, सूत्र लगा के, निर्देशांक एक एक्स होता है और दूसरा कैसा होता है, ठीक है, निकालो निर्देशांक, पहले एक्स निर्देशांक निकालो, कैसे निकलता है समझ लो, एक तरफ का अनुपात दूसरी तरफ का एक्स निर्देशांक, तो एम की गुणा माइनस एक से करो कितना आया माइनस है, फिर दूसरी तरफ का अनुपात गुणा दूसरी तरफ का
एक्स का निशान कितना है, कितना इधर का, इधर का अनुपात कितना है एन प्लस बटे अनुपात का यू। अब निकालेंगे वाई, तो वाई कैसे निकलेगा, इधर का अनुपात गुणा इधर का वाई निशान माइनस चार इनटू माइनस का, फिर ये निकलेगा तो इधर का अनुपात हुआ इधर का माइनस छः बटे। ये कौन सा सूत्र से निकला, लेकिन हमारे प्रश्न में पी का निर्देशांक पहले से ही हमने मान रखा है, माने तो प्रश्न अनुसार ये दोनों निर्देशांक होने चाहिए बराबर, प्रश्न अनुसार तो होना चाहिए, ये सूत्र के अनुसार आया और ये प्रश्न के अनुसार हमने माना था, तो प्रश्न अनुसार हुआ माइनस एम प्लस पांच एन बटे एम प्लस एन कॉमा चार एम माइनस छः एन बटे एम प्लस एन बराबर होगा इसके पी जीरो कॉमा। ये पी के आगे लिखने का एक तरीका होता है, बिंदु लिखा आगे उसका निर्देशांक लिखा, निर्देशांक दो चीजों से मिलकर बनता है, एक एक्स निर्देशांक पहले वाला एक्स होता है, बाद वाला वाई होता है, बीच में कॉमा लगा होता है और इस वाले ब्रैकेट में ये लिखे जाते हैं, तब जाकर निर्देशांक पूरा होता है। कोई समस्या है सर? अब जल्द तुम इधर बैठाओ, क्या हो गया उसे देख नहीं रहा, वो छोटा है, वो तुम्हारे हाइट ज्यादा है, उसे देख नहीं पा रहा है, इसलिए कह रहा तुमसे इधर हो, ऐसा नहीं कि तुम्हें हटा रहा है, ठीक है थोड़ा इधर हो जाओ, कहीं बैठ जा रहा है। चलो अब इन दोनों को बराबर ले लो, तो एक्स निशान एक्स के बराबर होगा, वाई निशान यहां से हमें पता लगा माइनस एम प्लस बराबर ठीक है। अब वाई के बराबर लेके तो कुछ मिलने वाला नहीं, वाई नहीं पता, लेकिन जीरो को बराबर लेके कुछ ना कुछ निकल आएगा, है ना, क्योंकि जीरो तो एक संख्या है, तो हम ये वाला यूज कर लेते हैं, वी हैव हमारे पास है क्या है माइनस एम प्लस पांच एन बटे एम प्लस एन बराबर जीरो। तो ये जब भी इस तरह की चीजें होंगी अंश और हर में दोनों में बायनोमियल होगा, एक से अधिक पद होंगे द्विपद होंगे तो हम ब्रैकेट में लेंगे, फिर गुणा करो उसके बटे में एक ले लो, ये तो यही रहेगा और ये जीरो हो जाएगा, कितना आ गया माइनस एम प्लस पांच एन बराबर जी, तो माइनस एम बराबर माइनस पांच एन, माइनस से माइनस कट गया, एम बटे एन बराबर पांच एन, एम अनुपात एन कितना यानी ये जो y अक्ष है ये कितने अनुपात में बांट रहा है इसको, पांच, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है बिंदु, क्या निकालना है बिंदु, अब आप देखो यहां पर हमारे पास y का मान ये दे रखा है, क्या क्या करना है हमें, बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, सवाल में कह दिया करने हेतु ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, हमारे पास है माइनस चार एम माइनस छ एन बटे एम प्लस एन बराबर वाई, एम का मान कितना है पांच एन, एम बराबर पांच एन रख लें रख दो, ये आएगा माइनस चार गुणा पांच एन माइनस छ एन बटे पांच एन प्लस एन बराबर वाई, कितना हो गया माइनस चार बन जाए बीस एन माइनस छ एन बटे माइनस छब्बीस एन बटे छ एन बराबर वाई, एन से एन कट गया दो दिया छः और ये तेरह बन रहा, यहाँ से पता लगा वाई का मान माइनस तेरह, तो बिंदु कितना निकला, बिंदु P जो जीरो कॉमा वाई था वो निकला जीरो कॉमा माइनस तेरह। अंत में क्या बात लिखेंगे हम स्टेटमेंट के रूप में पूरी बात बताएंगे, तो हमारा स्टेटमेंट आएगा अतः
वाई अक्ष रेखाखंड एबी को बिंदु 0-13/3 पर कितने अनुपात में बांटती है? 8 अनुपात क्या बांटता है? ठीक है, वाई अक्ष दोनों में गिनती होती है, बांटती नहीं है, बांटती है। कोई समस्या? क्लियर हो गया? चलिए।